नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं अजय वर्मा आप सभी का इस रिपोर्ट में स्वागत करता हूं। दर्शकों, आने वाले नगर निगम चुनावों को लेकर जेजेपी पार्टी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज जेजेपी यानी के जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस वार्ता के माध्यम से पार्टी का एजेंडा बताया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राजेश भाटिया के अलावा जेजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। निशान सिंह ने कहा कि चुनावों की घोषणा के बाद दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चर्चा करेंगी कि उसके बाद पार्टी की तरफ से कौन सा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा। इनेलो पर निशाना साधते हुए निशान सिंह ने कहा कि आज इनेलो के पास सिर्फ एक ही विधायक रह गया है और वह अपना घर संभाल कर रखें। फरीदाबाद नगर निगम के जो चुनाव आने वाले जो चुनाव हैं उससे घोषित होने से पूर्व जब भी चुनाव आयोग उसके लिए तारीख रखे उससे पूर्व पार्टी संगठन के साथियों से बैठ करके मशवरा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं 45 के 45 वार्डों में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। लगातार एक मीटिंग पहले हो चुकी है, आज फिर है, हफ्ते बाद फिर करेंगे। लगातार ये मंथन जारी रहेगा जब तक चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का घोषणा नहीं कर देता। लंबा समय हो चुका है चुनावों को और ऐसे में जनता परेशान है, कैसे सरकार से या चुनाव आयोग से सिफारिश की जाए कि जल्द चुनाव हो ताकि लोग जो है परेशान ना हो जनप्रतिनिधि। ये बात आपको आपके समक्ष लितानी जी ने पहले रखी भी है, चाहे चुनाव आयोग ने या सरकार ने चुनाव की घोषणा करनी है या चुनाव की डेट देनी है, हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी चुनाव की घोषणा हो ताकि लोगों को चुने हुए जनप्रतिनिधि मिले, वो लोगों की समस्याओं का हल करने का काम। बातचीत हो रही थी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार है तो मिलकर चुनाव लड़ेंगे या कैसे समझ रहे? देखिए, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद दोनों पार्टियां बैठ करके इस पे चर्चा करें। अभी अलग सारे उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं 45 के बाद? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल अभी तो पार्टी करेगी तैयारी। अभी आपने बात करी सुरेंद्र मैंने कहा ना कि जनता ने 20 विधायक दिए थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, अब 20 में से आज एक हैं, वो अपना घर संभाल करके रखें। जननायक जनता पार्टी के लोग अपनी जगह पे सभी स्टेबल हैं। अच्छा सर, क्या कोई मुद्दे रहने वाले हैं, कैसे जनता के बीच जा रहे हैं आपके उम्मीदवार, कैसे जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे, क्योंकि समस्याएं सरकार में बहुत हो चुकी हैं, वार्डों में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं। देखिए, मुद्दे जहां तक पार्टी की तरफ से आप पूछना चाहते हो तो पार्टी ने जो वायदे लोगों से किए थे चुनाव पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, उस पर कितना हमने काम किया है, क्या क्या जनता की समस्याओं में कहाँ कहाँ हम खड़े हुए हैं, वो सारी बात करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के उनसे प्रॉमिस करेंगे काम करने के लिए और जो हमारे लोग जीत करके जाएंगे फिर उनका काम भी करेंगे। पार्टी को और बढ़ाने के लिए आपके जनसंपर्क किस तरह से किया जाएगा, इस तरह की सभाएं ताकि लोग जुड़े और जेजेपी? देखिए, अभी तो ये मीटिंगें हो रही हैं, मंथन हो रहा है, प्रत्याशी कौन होंगे, प्रत्याशी जब घोषित हो जाएंगे फिर वार्डों में जाएंगे, उनके साथ हमारे सीनियर लोग भी जाएंगे और लोगों से वोट की अपील करें। सर, इनेलो ने तो 2024 विधानसभा की तैयारी में जुट गई है और बीजेपी की बात करें कांग्रेस की, आप कैसे देख रहे हैं 2024 का, क्या अलग पार्टी के नेता तैयार होंगे उम्मीदवार? जो मैंने पहले से कहा कि कोई भी चुनाव हो जननायक जनता पार्टी बैरकों में नहीं जाती, वो तो अपनी हमेशा लोगों के बीच में रहती है और लोगों के बीच में रह करके सभी तैयारियां हमारी चल रही हैं। देखिए, मैंने बताया कि जो सक्षम कैंडिडेट है वो उसी को खड़ा किया जाता है पार्टी उस। अजय, लोगों ने पहली मोहर लगा दी? नहीं, जहाँ लोगों ने मोहर पहले से लगा दी, लोगों ने आश्वस्त किया है तो वहाँ वही कैंडिडेट होंगे जिनको लोग चाहते हैं। दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, वहीं टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टुडे एक्सप्रेस न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।